वालेकुम, दिस इज मी अक्षा खान एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी मैं हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से और आज तो मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह। आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके? आप लोग ने ये बात मुझे कमेंट्स में बतानी है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक आप लोग ने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो आज भी मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह क्योंकि मुझे एक जगह जाना है और मैंने उठते ही साथ जो है वो अम्मी से मांग लिया है नाश्ता। तो अम्मी ने कहा है जाओ और जाके आटा गूंथो तो फिर नाश्ता मिलेगा। तो जी जल्दी से चलते हैं और आटा गूंथते हैं ताकि हमें नाश्ता मिले और हम अपनी आगे की तैयारियाँ करें। तो जी मैं वापस आ गई हूँ, किचन में चली गई थी अपने बाल सीधे करने, अच्छी सी शक्ल बना के जाते हैं भाई कहीं पे। तो अम्मी ने यहाँ पर बना लिए हैं पराठे और अभी अम्मी की रोटी बन रही है और हमारी चाय बन रही है। अब हम अंडे हम खुद तलेंगे, अंडे हम अम्मी से नहीं तलवाते क्योंकि वो आसान होते हैं, इसलिए अंडे जो है वो हम खुद तल लेते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार किसी इवेंट में जा रही हूँ। तो अभी मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ, मैंने आज अपने लिए क्या कपड़े निकाले। मैंने शायद हजार मरतबा अपने जो पहने हुए कपड़े थे वही आज निकाल लिए हैं दुपट्टे का रंग बदल के, बिकॉज वो आपके मोस्ट फेवरेट है। हाँ वो मुझे ना उस टाइप की फ्रॉक्स अच्छी लगती हैं, तो वो मैंने गलती से एक ही जो है ना वो मुझे पसंद आ गई तो मैं वही पहनती रहती हूँ। हर रंग के दुपट्टे के साथ पहन चुकी हूँ मैं। चलो भैया यहाँ पर इतना टेस्ट टीवी चल रहा है हमारी अम्मी का, क्योंकि बिजली खर्च हो रही है। हाँ भाई, तो जब तक ये लोग अंडे तल रहे हैं मैं दस्तरखान लगा लेती हूँ ताकि हमें देर ना हो। ये है हमारी अम्मी की फीकी चाय, जूं 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 अब ये जा रही है। चलें जी अब मैं आके बैठ गई हूँ, अब बाकी के जो अंडे हैं वो सिस्टर खुद ले आएंगी और चाय भी ले आएंगी। अब मैं भी अम्मी के साथ थोड़ा सा ड्रामा देख लूँ और थोड़ी सी सियासत सीख लूँ। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार और आज मैंने ये वो मेरे कपड़े हैं जो मैं शायद पिछली 10,000 मरतबा पहन चुकी हूँ, आज फिर से मैंने ये पहन लिया है अपनी बहन से दुपट्टा मांग कर, क्योंकि मुझे ये फ्रॉक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे और जब कुछ भी नहीं समझ आता तो आखिरी ऑप्शन मेरे पास होता है कि ये ब्लैक फ्रॉक पहन ली जाए। अब हम आगे का अपना ब्लॉग इवेंट पर पहुँच कर कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अभी हम हैं रास्ते में और मेरे सारे बाल खुल चुके हैं, अभी हम रास्ते में अभी हम जा रहे हैं फॉर्म भरने के। हेलो, दुपट्टा पहनना ज़्यादा बेहतर रहता है जब ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है। अब मैं भी आप लोगों की कैटेगरी खा लूँ। तो जी हम पहुंच गए हैं और अब हम बाहर निकलने लगे हैं अपनी कैब से। भाई मेरी तो हो गई है हालत खराब यहाँ पर, आई थिंक हम गलत जगह उतर गए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा क्या। ठीक है, तो अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है, अब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, सामने जो है वो टेंट्स लगे हुए हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं इवेंट में और अभी हम बैठे हुए हैं और इवेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम बोर हो रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई है और इवेंट तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैंने कहा कि ज़रा मैं चीज़ों का जायज़ा ले लूँ कि यहाँ आस पास है क्या। लाइब्रेरी टाइप है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी टाइप है, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे बुक शेल्व्स हैं और इसमें जो है वो छोटी सी लाइब्रेरी टाइप है यहाँ पर। तो जी ये है PSO वालों का वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम जिसका इवेंट है आज, जिसमें मैं आई हूँ और अभी तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ। ये सामने सारा है अरेंजमेंट, पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, फोटोज हो रही हैं, लोग अपनी अपनी यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी फोटोज खिंचवा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं भी खींच लूँ, कैसी लगूंगी ना मैं भी खड़ी हुई बाइक के साथ। A few moments later. अक्षा खान और आज मैं आई हूँ PSO पाकिस्तान के शाहीन की तरफ से एक इवेंट में। इन्होंने एक बहुत ज़्यादा ही कोई अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट इन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है। सारी लेडीज़ को ये जो है वो बाइक चलाना सिखा रहे हैं और कार चलाना सिखा रहे हैं, मतलब कि ये जो है लेडीज़ इससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है। तो आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा,
और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से और अच्छे अच्छे से प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हों, ताकि हमारी जो खवातीन हैं वो घर से बाहर निकलने में हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं। एज अ वुमन मैं भी जो है वो देखें काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है कि कैसे जाए, अगर जाना है तो पेरेंट्स के साथ ही जाए। लेकिन PSO पाकिस्तान का ये एक अच्छा कदम है कि वो लोग जो हैं हम लोगों को ये सब सिखा रहे हैं। थैंक यू। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। एक बाइक और ये हूँ मैं, और मैं एक जो है बाइक राइडिंग कर रही हूँ, वो चल नहीं रही लेकिन फिर भी मैं जो है वो सेटिस्फाइड जो है वो इस पर बाइक राइडिंग कर रही हूँ। और मैं अभी बस पहुँचने वाली हूँ, CVO जाऊँगी मैं यहाँ से डायरेक्ट। क्या बात है सर। आज हमारी बहन ने फर्स्ट टाइम जो है वो कार चला के दिखाई है। कार पे चलानी मुझे आ गई है। हम यहाँ से इवेंट से जल्दी फ्री हो गए, तो अब हम जो है वो सोच रहे हैं कि CVO चले जाते हैं। तो राइड बुक की है और अब वेट कर रहे हैं राइड का। तो भाई अब हम निकल गए हैं CVO के लिए। हमारी राइड कैंसिल हो गई और वो नहीं आई, तो अब हम ऑटो करके उस पर बैठ गए हैं। और ऑटो में ये देखे बैठा हूँ मैंने शायद जिंदगी में हर तरह का एक्सपीरियंस कर लिया इधर उधर होगा। अब एक वक्त आएगा शायद उसका मैं रक्षा के ऊपर भी बैठ जाऊँ। चलें जी अब हम उतर गए हैं, एकदम गरीबों की तरह आज मैं बैठकर आई हूँ रक्षे में। ये बजती भी है। मैं जब छोटी थी जब मैं आती थी यहाँ पर सब चिप्पियों से बना होता। ये हाथ से बनी हुई होती है ना चीजें। मेरे ख्याल में ब्लॉग में मेरी आवाज नहीं होगी, सिर्फ ये आवाज होगी ठंडा मीठा शरबत पियो पानी पियो। तुम्हारे लिए ये देखो गोल्डन कलर की ताकि तुम काली लगो। सब कुछ सिप्पियों से बना हुआ है। हाँ ये वो है ना, क्या है ये, इससे आवाज आती है। हाँ ये वो है। अरे कहना क्या चाहते हो। ओ टॉप्स प्यारे। अच्छा, दिखाई इसकी ये स्क्रीन लेके मुझे किसकी एक ही। हाँ एक ही तस्वीर क्यों मांग रही हो तुम, कुछ गड़बड़ है गया। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा इनके पैसे क्या हैं, सबके एक ही पैसे हैं। 20 रुपए। वाह वाह वाह। अच्छा आप वाले लो और एक ही वाले तीन मतलब अगर आप कोई से भी लो इन सब के पैसे 20 रुपए। कि हम यहाँ पर से सारे तरह की एक्सेसरीज ले सकते हैं। ये देखें कि ब्राउच देखेंगे कितना बड़ा सा, ये देखिए मनोज लग लो मत करो रन लो। ठीक है ये अच्छे बाबा हैं, इनसे हमने शॉपिंग करी है थोड़ी सी, अपने छोटे छोटे से इयर रिंग्स लिए हैं। आप लोग भी आए तो इनसे शॉपिंग कीजिएगा। सॉफ्ट टॉयज भी मिल रहे हैं यहाँ पर, ऐसी छोटी सी पूरी दुनिया बनी हुई है सॉफ्ट टॉयज की। ये देखो हटो तुम यहाँ से। फ्रोजन कहाँ है वो पड़ी, वो एल्सा 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 सॉरी फ्रोजन, ये एल्सा नहीं है, एल्सा की लाश पड़ी है यहाँ पर। रियल लग रहा है ये चीते चीते चीते। हाँ ये ग्रीन ये वृद्ध है, ये इसके बचपन की तस्वीर हमें मिल गई थी छोटा बच्चा। अच्छा और खुश भी हो रही है कि ये मैं हूँ भाई। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक छोटा सा कोई बाजार लगा हुआ है। वाओ बाजार भी लगा हुआ है सारा, कितनी सारी शर्ट्स हैं। मगर ना मुझे लग रहा है कि ये ना सारी जेंट्स की है। शॉर्ट्स शॉर्ट्स छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा।
यहीं से खरीदें और यहीं से जाके नहा लें। देखो सारा लड़कों का सामान है। हम क्या करते? तो भाई यहाँ पर एक छोटा सा होटल है इसी स्ट्रीट पर, आगे आने के बाद चाय का। अब हम यहाँ पर रुक गए, चाय और बिस्किट खाते हैं। इनका पहले देख भी लेते हैं स्टॉल। चाय का ऑर्डर दे दिया है और पूछा नहीं है कि चाय कितने की है। ये है इनका स्टॉल चाय का। कट 40 का है, फुल 50 का है। 4 चाय देते हैं फुल। और खाने के लिए साथ में क्या है आपके पास? केक है, स्पेशल वाला केक। अच्छा दिखा दे। ये दोनों चीजें आप लोग को पता है, आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे इस तरह से बैठकर खुले में, वो भी इतनी ऐसी जगह पे शाम की चाय पी रही हूँ। और इनका स्पेशल केक और एक फुल चाय हम लोग ने ऑर्डर की। यहाँ पर मुझे एक अपने ड्रीम समोसे मिल गए। मुझे इतने इतने सोते हैं, उन पर चटनी डाल के देते हैं जो ढोडो पे मिलते हैं, और वो आप मुझे यहाँ पर समंदर पे आकर मिल गए हैं। तो ये हैं 50 रुपये और मैं जा रही हूँ अपने लिए समोसे लेने। भाई 50 रुपये के देने। ये मैंने बहुत टाइम पहले खाए थे छोटे छोटे से समोसे। कितने कितने आएंगे 50 रुपये के? 5 आएंगे। वाह, हम लोग तो 4 लड़कियाँ हैं तो खा लेंगे हम 5 वाले। ये इसके ऊपर एक चटनी डलती है इतने मज़े की। शुक्रिया। अच्छा सांप आ रहा है, सांप आ रहा है। सांप वाले भाई आए हैं, सांप दिखा रहे हैं। 50 रुपये लेके कोबरा दिखाएंगे तुम्हें। 50 रुपये 50 रुपये ज्यादा तो नहीं मांगेंगे। चलें फिर यहाँ पर दिखा दें। आओ सांप देखते हैं, आओ आओ सांप देखते हैं, आ जाओ। अरे रुको समोसे खाते हैं। वाह भाई नई नई चीजें दिख रही हैं यहाँ पर। तो ये इनकी पिटारी, ये बीन और ये भाई। कहीं मुझे डस ले। ये मेरी तरफ क्यों मुड़ रहा है साथ के साथ? ये देखिए गाइस, ये मेरी तरफ मुड़ रहा है, ये देखिए। तो भाई सांप भी जो है ना वो कैमरे में आ रहा है, कैमरा डिटेक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। चलो भाई कंप्लीट हो गया। ये ले चाय भी आ गई भाई, चाय भी आ गई, समोसे भी आ गए। अब समोसा खाया जाए। एकदम आवारा आवारा डे आउट है आज हमारा। ये है स्पेशल केक। ओह माय गॉड, ये तो वाकई स्पेशल लग रहा है। और ये है हमारी चाय। उम्मीद नहीं थी मुझे अच्छा होगा, क्या हो गया, छोटी जगहों की चीज़ें भी अच्छी होती है। चलो जी अपनी चाय ले लेते हैं। ये हमारी चाय और ये हमारा स्पेशल वाला केक। डिप करते हैं और खा के देखते हैं कैसा है। यम्मी, अच्छा है। मेरा मुंह जल गया। मेरा मुंह जल गया। आवारा चीज़ें हैं लेकिन अच्छी हैं। तुम इसका भी तुम खाना। नहीं मैं अपना बनवाऊंगा खट्टा। खट्टा चाय ना अच्छी है लेकिन मीठी है। जी अब जाते हैं और अपनी चाय नाश्ते के पैसे देते हैं। ये ले भाई। शुक्रिया भाई। यहाँ तो ज्वेलरी शॉप है पूरी। तुम इतनी दूर से देख रही थी, अब करीब से देख लो। अच्छा यहाँ पर ज्यादा वैरायटी है। मैं सोच रही हूँ इकराबी के लिए ये ले जाऊँ, गुड़िया, तराजू वाली गुड़िया। ये तो लैम्प्स हैं, अच्छी लगेगी ये तो। भाई यहाँ पर, यहाँ इस इन शॉप्स का एक उसूल है, जो भी हो जितना भी हो वो सब सिप्पी का। 150 रुपए 150 रुपए एक जमाना होता है ना जिसमें बर्तन, बच्चों के खिलौने, बर्तन प्यारे लगते हैं। मेरा वो जमाना खत्म हो गया। बड़ी गाड़ी बड़ी गन, बड़ा जंपर बड़ी गाड़ी, डॉल 150 रुपए बड़ी गुड़िया। कोई ऐसा है जिसको अभी तक खिलौने पसंद?
पसंद है मेरी तरह। अब हमें एक नई चीज दिख गई है यहाँ पर, हर चीज 10 रुपए की। खाने का कुछ ले ले, अभी तो खा कर आ रही हूँ पीछे से। अच्छा ये दो लड्डू ले लेती हूँ 10 रुपए के, ये दो लड्डू ले लेती हूँ अम्मी के। पकड़े 50 कर लेती हूँ, एक मिनट ये 10 रुपए हो गए हमारे 50। हर माल 10 रुपया, मैंने 50 रुपये का सामान ले लिया, यही 50 रुपये थे। अब अपनी बहन के आश्रम में चलो। अच्छा सनसेट चला जाएगा, जल्दी जल्दी चलो ना, खुद चल है नहीं रही हर जगह रुकना है। अच्छा अच्छा चलो चलो अब तेज चलूंगी। कैसा बेइज्जती कर देते फौरन ये। हाँ तो हर जगह रुक रही हूँ, कितने दफा बीच में रुक। चीज नहीं लूँ, कुछ भी नहीं लूँ। तुम्हारा ना मुँह रुकता है ना तुम्हारे हाथ रुकते हैं, और पैसे मेरे पास होते नहीं है। तो भाई हम सी व्यू आए इसलिए ताकि हम 2-4 तस्वीरें खींच लें और अच्छी सी एक जो फ्रेश एयर है वो हमें आ जाए। तो अच्छी सी हमें फ्रेश एयर आ गई, ये देखें हमारा सी व्यू बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और सनसेट भी बड़ा ही कोई खूबसूरत है। ये देखें ये हमारा सनसेट, सन जाता हुआ सेट होता हुआ। तो जी ये देखें, जब आपके पास सामान कैरी करने के लिए कुछ भी ना हो तो ये चश्मा भी मैंने लगा लिया अपनी सिस्टर का, ये केचर भी मैंने लगा लिया क्योंकि हम तो इवेंट से डायरेक्ट आए यहाँ पर, और अब हमारी हालत इतनी गंदी हो गई है, हम लोग इतने बुरे लग रहे हैं, अजीब से हो गए बिल्कुल। लेकिन आज हमें मज़ा आया, जो बात है इवेंट भी काफ़ी अच्छा था। वो वुमेंस को जो है वो बाइक सिखा रहे हैं, कार सिखा रहे हैं, अच्छा अच्छा इनिशिएटिव उनकी तरफ से सही। और फिर उसके बाद सी व्यू आके तो भाई मज़ा ही आ गया, एकदम खूबसूरत सा सनसेट नज़र आ गया। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर सी व्यू आए और भुट्टा ना खाया तो क्या किया। तो जी चले चलते हैं और जल्दी से भुट्टा ले लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं क्योंकि मगरिब होने वाली है, हम लोग दिन से निकले हुए। चलो भाई अब हम भुट्टा खरीद रहे हैं, ये हमारा भुट्टा बन रहा है बहुत खट्टा। अरमान सुन लें बस, बहुत खट्टा भुट्टा चाहिए। ये होता है ना, ये खुद लगा सकते हैं मान के लीजिए, लेकिन लेकिन ये इसमें ना है नहीं ताज़े। आप पता है क्या, यहाँ से ये जो है ना ये बाल ये उठाओ और इसमें एक एक रख लो, 4 बाल उठा लो। चले भाई मुझे मेरा भुट्टा मिल चुका है, भुट्टा मिल गया। आधा भुट्टा हमारे यहाँ हिसाब चल रहा है, तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया। तो जी फाइनली अब हम घर आ गए हैं, अब हम घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंच गए अब हम बहुत ख़राब से अजीब सी हालत हो गई है, एकदम काली। मैं जब भी कहीं से आती हूँ एकदम काली हो जाती हूँ। खैर अब जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी हम सोएंगे, उसके बाद जब हम फ्रेश उठेंगे सुबह तो फिर हम एकदम ठीक हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये वाले ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।